कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार धरने प्रदर्शन पर तो रोक लगा रही है पर मेले उत्सव जैसे कार्यक्रम को ढील दे रही है। शर्मा ने कहा कि मैंने इस बात का अंदर भी विरोध किया था और बाहर भी करूंगा। सवाल है ये है कि केवल क्राइसिस मैनेजमेंट में इसकी बात इसलिए आई, मास्क लगाने की बात हम कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर सकते हैं, सैनिटाइजिंग की बात कर सकते हैं, लेकिन यह निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को कि आप धरने प्रदर्शन नहीं होंगे। मेलों के लिए तो अलाउ कर रहे हैं लेकिन धरने प्रदर्शन नहीं, ये इनका बीजेपी का एक एजेंडा है। लेकिन मैंने इसका विरोध किया है और विधानसभा में विरोध करूंगा कि धरने प्रदर्शन हम करेंगे, इसमें ये मामला नहीं आएगा। उसमें ठीक है जो गाइडलाइन है उसका पालन कर सकते हैं हम, लेकिन धरने प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्ष करेंगे ये किसी तरह भी इसके दायरे में नहीं आता है और मैंने इसका विरोध किया। और दूसरा, ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है ये केवल रिकमेंड कर सकती है, कोई चीज़ों को पर बैन नहीं लगा सकती, इस चीज़ को मैंने कहा है। तो और इस चीज़ को निश्चित तौर पर प्रजातंत्र में विपक्ष की जो आवाज़ को का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं और इसका मैंने विरोध किया है और मैंने कहा कि हमारा विरोध दर्ज करो, ये नहीं होगा। और कल विधानसभा में जब मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो मैं विधानसभा में इस बात को उठाएंगे कि धरने प्रदर्शन पे कोई रोक लग नहीं सकती। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के आए, ये सब बात हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ये वही मीटिंग में ये आता है कि साहब मेले जो है, एक मेला लग रहा है वहाँ गोविंदपुरा में, बोले उसके कलेक्टर ने कहा कि भाई इस पर रोक लगाओ, ये ठीक नहीं होगा इस तरह के मेले। तो बोले नहीं, वो मेला है अब, वो क्योंकि बीजेपी के लोग कर रहे हैं मेला, उसको कैसे रोक सकते हैं। ये इनके दोहरे मापदंड है, इसका विरोध करें। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।